अगर आपका स्कूटर स्टार्टिंग में तकलीफ दे रहा हो तो स्पार्क प्लग, बैटरी और उसके कनेक्शंस को चेक करें। अगर स्कूटर औसत से कम माइलेज दे रहा हो तो आपको अपने ड्राइविंग स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। ये भी जांचें कि कहीं स्कूटर की चोक खुली तो नहीं है। अगर गियर बदलने में मुश्किल आ रही हो तो हो सकता है कि क्लच ढीला हो या फिर गियर वायर जाम हो गई हो। लाइट और इंडिकेटर ना चलने पर फ्यूज, बैटरी और उसके कनेक्शंस को जांचें। अगर ब्रेक कमजोर पड़ गया हो तो ब्रेक शू की जांच कराएं। साथ ही देखें कि कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है या फिर टायर घिसे हुए तो नहीं है। स्कूटर को धीमा करने से अगर स्कूटर बंद हो रहा हो तो उसके स्लो जेट की सफाई कराएं और जांचें कि चोक ठीक से बंद हो। अगर आपका स्कूटर मिसिंग कर रहा हो तो स्पार्क प्लग की जांच जरूरी है। अगर स्कूटर के टायर एक तरफ से घिस रहे हों तो हो सकता है कि आपके शॉकर्स खत्म हो रहे हों या टायर प्रेशर निर्देशानुसार से कम है। और अगर स्कूटर चलाते समय झटके महसूस हो रहे हों तो अपने शॉकर्स की जांच करवाएं और ये भी परखें कि कहीं टायर प्रेशर निर्देशानुसार से ज्यादा तो नहीं है।